Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तुर्रम खां कोई मामूली शख्स नहीं था। उसकी बहादुरी से अंग्रेज भी खौफ में आ गए थे। हीरो पंती करने वाले को तुर्रम खां तो बोल देते हैं, मगर असल में तुर्रम खां कौन था जानते हैं? वो अपने को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है। आमा ज़्यादा तुर्रम खां ना बनो, तुम्हारे जैसे तुर्रम खां बहुत आए मगर कुछ कर ना पाए। आपने अक्सर लोगों को इस तरह के डायलॉग मारते सुना होगा। इसका मतलब भी तकरीबन आप जानते ही होंगे। बहुत ज़्यादा जब कोई हीरो या रंगबाज बनता है तब हम उसे तुर्रम खां बोल दिया करते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर तुर्रम खां असल में कौन था जिसके नाम का इस्तेमाल हम इस तरह किया करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्रम खां कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई का एक हीरो था। तुर्रम खां का असली नाम तुर्रीबाज खान था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जिस आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, हैदराबाद में उसका नेतृत्व तुर्रम खां ने किया था। तुर्रम खां हैदराबाद के बेगम बाजार में पैदा हुए थे। उनके शुरुआती जिंदगी के बारे में जानकारी बहुत कम है, मगर 1857 की लड़ाई में उस वक्त उनका नाम उभर कर आया जब उन्होंने जमादार चीदा खान को छुड़ाने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला की योजना बनाई। दरअसल जमादार चीदा खान को विद्रोही सिपाहियों के खिलाफ दिल्ली कूच करने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सभी को उम्मीद थी कि निजाम अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की इस लड़ाई में साथ देगा, मगर वो धोखेबाज निकला। जब जमादार चीदा खान अपने 15 सैनिकों के साथ निजाम के पास समर्थन लेने पहुंचा, तो निजाम की मंत्री ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर ब्रिटिश रेजिडेंसी में कैद कर लिया। जब तुर्रम खान ने 5,000 स्वतंत्रता सैनियों को इकट्ठा कर ब्रिटिश रेजिडेंसी पर बोला हमला, तुर्रम खान ने अपने साथी मौलवी अलाउद्दीन के साथ मिलकर 5,000 जाबाज लड़कों को तैयार किया। इसमें कई अरब स्टूडेंट्स और अन्य विद्रोही शामिल थे। योजना थी कि अचानक से ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला बोला जाएगा। तुर्रम खां को यकीन था कि अचानक हमले से अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी मदद करने के लिए बब्बन खान और जय गोपाल दास ने रेजिडेंसी हाउस के सामने के 2 मकान भी खाली कर दिए, मगर तुर्रम खां की इस योजना की भनक अंग्रेजों को लग चुकी थी। दरअसल निजाम के वाजिर सालार गंज ने गद्दारी करते हुए अंग्रेजों को पहले ही सूचना दे दी थी। अंग्रेज सैनिक बंदूकों और तोपों से लैस तुर्रम खां और उसके साथियों का इंतजार कर रहे थे। 17 जुलाई 1857 की रात को तलवारों और लाठी डंडों के साथ तुर्रम खां ने अपने साथी मौलवी अलाउद्दीन और अन्य विद्रोहियों को लेकर हमला बोला। रात भर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और सुबह 4 बजे तक विद्रोहियों को अंग्रेज सैनिकों ने बुरी तरह हरा दिया। तुर्रम खां पर अंग्रेजों ने रखा 5,000 रुपये का इनाम। ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हुए हमले में कई जाबाज स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, मगर अंग्रेज तुर्रम खां को वहां पकड़ने में नाकामयाब रहे। हालांकि निजाम के मंत्री तुराब अली खान ने तुर्रम खां का पता अंग्रेजों को बता दिया। आशूर खाना के पास जंगल में उन्हें पकड़ लिया गया था। हैदराबाद कोर्ट में तुर्रम खां पर मुकदमा चला। उनसे अपने बाकी साथियों का पता बताने के लिए कहा गया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे में तुर्रम खां को काला पानी की सजा दी गई। उन्हें जीवन भर सड़ने के लिए अंडमान भेजने की तैयारी शुरू हुई। हालांकि अंग्रेज उन्हें अंडमान भेज पाते इससे पहले ही 18 जनवरी 1859 को तुर्रम खां अंग्रेजों की गिरफ्त से फरार हो गए। अंग्रेजों ने तुर्रम खां पर 5,000 रुपये का इनाम रखा। हर ओर उन्हें पकड़ने के लिए सैनिक गश्त करने लगे। कुछ समय बाद एक तालुकदार मिर्जा कुर्बान अली बेग ने तूपारड़ के जंगलों में धोखे से तुर्रम खां को मार दिया। इतिहासकारों की माने तो तुर्रम खां के शव को रेजिडेंसी में लाकर पेड़ से नंगा लटका दिया गया था। बता दें भारत सरकार ने उनकी याद में एक सड़क का नामकरण भी किया है। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वीमेन के पास तुर्रीबाज खान रोड स्थित है। तो तुर्रम खां वो शख्स थे जिन्होंने कभी अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, जान दे दी मगर वतन से गद्दारी नहीं की।
अब अगर आपको कोई तुर्रम खा बोले तो उसे तंज नहीं बल्कि तारीफ समझिएगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.